जो इंसान मतलबी नहीं होता है वो गुस्से में सब कुछ कह देता है और सभी इंसान से आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब आशा टूटता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए आप हमेशा कोई भी अगर कार्य करें तो अपने बलबूते पर करें, क्योंकि अगर आप अपने बलबूते पर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको दुख होगा। इसलिए यह बात हमेशा याद रखने की आवश्यकता है कि किसी के बलबूते पर आप कोई कार्य ना करें, क्योंकि आधुनिक युग आर्थिक युग है और अगर आपके पास अर्थ है तो लोग आपके इर्द गिर्द घूमेंगे। जो ही अर्थ की कमी होगी लोग आपको छोड़ देंगे। इसलिए आप अपने बल पर कोई कार्य करें, क्योंकि अगर आप अपने बल पर कोई कार्य नहीं करेंगे और आशा रखेंगे कि दूसरा व्यक्ति आपको सहायता करेगा, और अगर सहायता नहीं करता है तो आपको बहुत दुख होगा। आज हम सभी कार्य करते हैं और कार्य का फल हमेशा मिलता है, हालांकि समस्याएं होती है। पहले भी आपने देखा होगा कि संघर्ष करना पड़ता रहा है और आज भी संघर्ष करना पड़ता है, और जो होना होता है उसे कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आप हमेशा अच्छा कार्य करें, लोगों की सहायता करें, जहाँ तक हो सके आप सहायता करें, और अगर आप सहायता नहीं कर सकते हैं तो मौन हो जाइए, और अगर आप किसी को दिलासा देते हैं और सहायता नहीं करते हैं तो जीवन में आपको हमेशा परेशानी होगी और उस परेशानी को किसी न किसी रूप में आप दंडित अवश्य हो जाएंगे। इसलिए दोस्तों, परिवार के लिए, समाज के लिए आप ऐसा कार्य करें जिससे आपको सदियों तक पूजा जा सकता है। स्वार्थवत आप ऐसा कार्य कर देते हैं कि कुछ समय के लिए आपको पूजा जाता है लेकिन आपको भूल जाते हैं। इसलिए आने वाला समय में आप सही मार्ग की ओर चलें। अगर आप सही मार्ग की ओर चलेंगे तो आपको हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन मानव का स्वभाव है कि स्वार्थवश वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अपने परिवार को, अपने संबंधियों को, समाज को भूल जाते हैं। कुछ समय के लिए तो यह अस्थाई होता है लेकिन बाद में लोग उन्हें भूल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जहाँ तक हो सके आप ऐसा कार्य करें जिससे आपको हमेशा पूजा जा सके। आपने सुना होगा कि किस तरह से भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए भगत सिंह और ऐसे और भी अन्य नेता हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है,
वो नहीं रहे इस दुनिया में, वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन आज हम सभी उन्हें याद करते हैं, श्रद्धा अर्पित करते हैं। इसलिए दोस्तों, जीवन में अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते हैं तो किसी को बिगाड़े नहीं। अगर आप किसी को बिगाड़ेंगे तो भगवान आपको अवश्य दंड देगा। इसलिए मैं YouTube के माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपने विचारों को संजो कर रखें और उस विचार को समाज में, परिवार में उतारने की कोशिश करें। अंत में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस व्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे परिवार और समाज में कलह ना हो, क्योंकि आज आर्थिक युग होने के कारण लोगों में मनमुटाव हो रहा है। कुछ प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन मनमुटाव की प्राप्ति होती है। इसलिए आप अपने जीवन में परिवर्तन करें और आप समाज और परिवार में इज्जत प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद।